वालेकुम डियर फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही क्विक और बहुत ही आसान अचार बना रही हूँ। ये यहाँ मैंने लिए हैं दो केरी, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, और एक मैंने गाजर ली है, उसको भी मैंने एक जैसा काट लिया था, और ये साथ मैंने दो से तीन हरी मिर्चें इनको इस तरह काट के रख ली है। तो ये यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन, देसी लहसुन बारीक वाला जो होता है ना, छोटा छोटा, इसके मैंने छिलके नहीं उतारे हैं, ये छिलके के साथ मैं डालूंगी। यहाँ मैंने लिया है नमक एक टीस्पून, कलौंजी आधी टीस्पून, और एक टीस्पून मैंने यहाँ सौंफ ली है, और आधी टीस्पून मैंने यहाँ मेथी दाना, इसको मेथड़े भी कहते हैं, और ये अचार में लाजमी डलता है। और यहाँ पे लिया मैंने साबुत सूखा धनिया एक टीस्पून, और यहाँ पे मैंने साबुत हरी मिर्च भी ली है, उसमें काट के रखी है, और साथ ये साबुत भी जाएगी। अचार चूँकि बनता है सरसों के तेल में, लेकिन आप जो आम कुकिंग ऑयल है जिसमें हम खाने पकाते हैं, आप उसमें भी बना सकती हैं, और मैं आम कुकिंग ऑयल जो जिसमें मैं खाने बनाती हूँ वही यूज़ करूँगी। तो ये यहाँ मैंने डाला है एक टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल, अच्छे ब्रांड का, आप जो भी घर में यूज़ करते हैं आप उसमें बना सकते हैं। लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है, प्लास्टिक का यूज़ मत करें। तो अभी मैं इसमें डालूंगी पहले लहसुन, ये देखें, जलाना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ इसको जस्ट जो है हल्का हल्का कलर देना है, हल्का हल्का, ना लाल करना है इसको आपने। अब साथ ही ये जो सारे मसाले हैं ये मैं डाल दूंगी। लाल जो है वो आपने किसी भी चीज को नहीं करना है, डाल दूंगी, ये देखें। अब आप इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकाएंगे, 5 से 10 मिनट, और आपको पता है घर का वैसे ही साफ सुथरा होता है, तो आप जब आप आपको अच्छा लगे, आसानी लगे, आप घर पे बनाएं इस तरह का क्विक, और एक दो दिन में ये आराम से खा के ख़त्म भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बना लिया करें। इसमें अभी दो चीज़ें और जानी है, एक कुटी हुई मिर्च और एक हल्दी। असल में अगर मैं इसमें मिर्च और हल्दी डाल दूंगी ना तो ये मसाला नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए अभी मैं इसको फ्राई करूंगी। अब मैं एक चम्मच इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, और आधी टीस्पून इसमें मैं डालूंगी हल्दी। ये ऐसा अचार नहीं है कि जो आप महीनों रखें, आप इसको 2-4 दिन में खा के ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तकरीबन रेडी है, अभी मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी, और फिर जब आप इसको यूज़ करें तो चम्मच जो है वो आपने नए सिरे से दूसरा लेना है, जैसे एक इस्तेमाल किया तो वही चम्मच बार बार नहीं डालना, और अगर लकड़ी का हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये तकरीबन रेडी हो गए हैं, अब जो है मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ, क्योंकि ये अभी गर्म है, जब ठंडा होगा तो फिर मैं इसको जो है वो जार में रखूँगी। और ये रेडी हो गया, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया, अब ये ठंडा होगा तो फिर मैं इसको जार में डाल के रख दूंगी। तो ये ठंडा हो गया है, अब मैंने ना ये एक जार लिया, बिल्कुल इसको खुश कर लिया मैंने अच्छी तरह, अब मैं ये सारा इसमें डाल दूंगी। तो ये देखें मैंने सारा इसमें डाल लिया है, तो अब जो है इसमें मैं कुकिंग ऑयल जिसमें मैंने इसको बनाया है वही मैं एक चम्मच जो है वो इसमें डाल दूंगी। ये देखें, तो ये अब आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको किचन में ही रखें, फ्रिज में अचार नहीं रखते हैं, तो ये इस तरह इंशाल्लाह, ये देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।